सही में मशरूम है। कोई चीज इतनी ज्यादा वायरल हो और वो मेरे हाथ न लगे, ऐसा हो सकता है? No. तो मुझे लगा एंट्री थोड़ी सी लेट हो बट ग्रेट हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहना बिकॉज आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिव अवे है। वैसे वैसे एक चीज और, खुशी सावनकर, सही नाम प्रोनाउंस किया है मैंने आपका सरनेम? मे बी नहीं, बट खुशी सावनकर, आप चाहते थे कि मैं आपका नाम मेरे वीडियो में लूँ। सो यार आई एम, आप कैसे, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? एंड गाइज, अगर आप में से भी कोई अपना नाम मेरे वीडियो में चाहता है कि मैं बोलूँ तो कमेंट्स में जाओ और अच्छे अच्छे कमेंट करो यार, मेरी तारीफें करो, तभी तो और मजा आएगा मुझे आपका नाम लेने में यार। जल्दी से जाओ कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो उसी के साथ मैं लेके आई हूँ ये मोस्ट वायरल सुनीसा फाउंडेशन। फाउंडेशन के ये फाउंडेशन है जी? नहीं, आई डोंट नो व्हाई सारे इसको फाउंडेशन क्यों बोल रहे हैं। ये सुनीसा की सीसी क्रीम है और इसके ऊपर लिखा भी है सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम। तो फाउंडेशन मत बोलो इसको, गलत गलत चीजें वायरल कर रहे हैं और फाउंडेशन सीसी क्रीम है ये। तो ठीक है, अब ये मेरे हाथ आ चुका है तो मैं इसकी हद तक जाके ही रहूंगी। और अगर पैकेजिंग की बात ना करूँ तो ये ऐसे एक डब्बे में आता है जो शायद कार्डबोर्ड का है, शायद क्या कार्डबोर्ड का ही डब्बा है, और इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो चाइनीज में लिखा हुआ है। तो हम जैसे भारतीय लोग इसको नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ जो यहाँ पे लिखा हुआ यही पढ़ सकते हैं कि सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम। तो बेसिकली ये ऐसा यहाँ से खुलता है, मैं इसे एक बार खोल चुकी हूँ क्योंकि जब भी मैं कोई वायरल और वियर्ड चीज़ देखती हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में आ जाए मैं इसको यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं अभी तक रुकी भी थी। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे साथ क्या हुआ आप देखना चाहते हो? तो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो इसके ऊपर मुझे इस तरह की चिंदी बांधनी पड़ी क्योंकि जब मैंने इसको ओपन किया उसके बाद ये कभी बंद ही नहीं हुआ, तो मुझे चिंदी से इसको सिक्योर करके रखना पड़ा। इसकी जो अंदर की पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी है, फिंगर प्रिंट बना हुआ है, प्रेस करेंगे तो ओपन होता है, शायद होता है नहीं होता है, तो ऐसा है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है पुल, तो मैं इसको ओपन करती हूँ और ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। काफ़ी सारा फाउंडेशन बाहर निकल चुका है, लेकिन ऐसा तो नहीं था जो वो दिखा रहे थे वहाँ पे, कुछ भी फाउंडेशन बाहर नहीं निकला होता, उल्टा उसको प्रेस करेंगे तो उसमें से कुछ निकलता है ना। और एक में तो ऐसा कुछ काला काला सा निकल रहा था, मुझे लगा ये कौन सा फाउंडेशन यार, फाउंडेशन मैं भी फाउंडेशन बोल रही हूँ यार। सीसी क्रीम जो एड मैंने देखा था उसमें कुछ भी नहीं निकल रहा था, उनका जो डॉट वाला एरिया था वो बिल्कुल क्लीन था, एकदम क्लियरली दिख रहा था कि वहाँ पे डॉट है, और जब आप उसको प्रेस कर रहे थे तब उसमें से कुछ निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ ये। तो इसके बाद इसके नीचे भी एक और लेयर है, तो यहाँ पे भी कुछ है ऐसा रहता है, इसके अंदर सारा मटेरियल है जो भी मतलब मेन चीज है वो इसके अंदर है। तो इसी के साथ साथ हमें एक और चीज मिलती है जो है ये मशरूम हेड ब्यूटी ब्लेंडर। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो काफी अच्छी है, इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी नहीं जा सकती, बिल्कुल सेफ है ये ब्लेंडर। सो ये रहा हमारा मशरूम। अरे लेकिन ये ब्लू कलर का क्यों है? अभी तक मुझे जितने भी मतलब एड में दिखे थे ऐसे ब्लेंडर मशरूम हेडेड वो सब मतलब ब्लैक कलर के थे, और जब उस पर सीसी क्रीम लग रही थी तो जो डॉटेड वाली डिजाइन थी उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और उसको देख के और ज़्यादा मन हो रहा था कि मैं इसको परचेज कर लूँ। बट ये कहीं चालू कंपनी से तो नहीं एक्सपोर्ट होकर मेरे तक आया, मैं सोच रही कि चाइना से आया हो, और मालूम पड़ा ये आया यही कहीं बाजू में से। तो टोटल इसमें दो लेयर है विद वन मशरूम हेडेड ब्यूटी ब्लेंडर। तो बहुत हो गई बातें, अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। फिलहाल मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा है, ना मॉइस्चराइजर लगाया है, ना सनस्क्रीन लगी, ना प्राइमर लगा है, तो मैं पहले सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी मेरे फेस पे, बिकॉज फेस को प्रेप करना भी जरूरी है कि फाउंडेशन कैसा है कैसा नहीं है, मेरे स्किन पे कैसा काम करेगा ये तो मुझे नहीं मालूम। तो एटलीस्ट सनस्क्रीन मेरे फेस को शील्ड देगी और मेरा फेस सेफ रहेगा। सो अप्लाई कर लेते हैं सनस्क्रीन, और मैं यहाँ पे लैक्मे की सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। आप मॉइस्चराइजर ना अप्लाई करो अपने फेस पे, लेकिन सनस्क्रीन अप्लाई किया करो क्योंकि सनस्क्रीन में भी मॉइस्चराइजर होता ही है, और मैं तो बोलती हूँ कि सनस्क्रीन को थोड़ा अच्छी खासी क्वांटिटी में अप्लाई किया करो, बिकॉज ये आपके फेस को लिटरली बहुत सेव करती है सन की यूवी रेस से और जो भी चीजें हैं उनसे। अंडर आईज को मत भूलना प्लीज। एंड यस गाइस, आई एम डन विद माय शील्ड, अभी मेरे फेस को बिल्कुल सेफ रखेगी भले मैं अपने फेस पे कुछ भी लगा लूँ। सो ठीक है, और अब मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर को पहले अच्छे से डैम करूँगी, मतलब गीला करूँगी, बिकॉज हम कुछ भी लगाते हैं फाउंडेशन सीसी क्रीम तो पहले अपने स्पंज को हम गीला कर लेते, तो उसी तरह से मैं इसको भी करूँगी। कुछ मिला नहीं मुझे तो मैं ग्लास में इसको डैम करूँगी, देखते हैं इसका जो साइज है वो बढ़ता है या नहीं। वो बढ़ रहा है यार, मोटा ताज़ा मशरूम बन गया ये। सो एक्सेस वाटर को निकाल लो अच्छे से, देखो प्रेस करके एकदम सही टाइम पे रुक गया मेरा हाथ, उस तरीके से नहीं निकली लेकिन
जैसे कि मैंने आपको बताया है तो ये चाइना का माल है। एंड गाइस मेन चीज तो मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो सीसी क्रीम है ये क्लेम करती है कि आपके फेस में से मार्क्स, स्पॉट्स, फाइन लाइन, पिगमेंटेशन सारी चीजों को बिल्कुल ब्लर कर देगी, आपकी स्किन को इवन कर देगी। प्लस ये लॉन्ग लास्टिंग है और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाटर प्रूफ भी है। तो अब आप बताओ कि मैं इसे कैसे टेस्ट नहीं करती यार, इतनी सारी चीज एक ही डब्बे में, जो हम लड़कियों को चाहिए था वो इस डब्बे में है। जल्दी से मैं इसे अप्लाई करके देखती हूँ, लेकिन मैं इसे अप्लाई करूंगी कम क्वांटिटी के साथ तो कवरेज चेक करने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक ही साथ ज्यादा ज्यादा अप्लाई करने लगी तो मतलब भूत तो बनी जाऊंगी ना मैं। एंड इतना काफी है अभी फिलहाल। ऐसा लग रहा है कुछ अप्लाई नहीं हुआ है। इसको थोड़ा सा प्रेस करके फिर आप लगाओ। सो ब्लेंड तो बहुत ही अच्छे तरीके से ही हो गया है, बट इतना प्रोडक्ट लगाने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस पे अभी कुछ लगा ही नहीं है, शायद मुझे थोड़ा प्रोडक्ट और लेना पड़ेगा। सो ले लेते हैं, इतना काफी है, थोड़ा ज्यादा ही हो गया मेरे हिसाब से। तो ये अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा है। सो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे बिल्कुल मैट वाली फिनिशिंग दे रहा है, जबकि ये एक ग्लोइंग सीसी क्रीम है। सो ब्यूटी ब्लेंडर से तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा था, अब देखते हैं कि हाथों से कैसे ब्लेंड होता है। ये थोड़ा कंसीलर की तरह वैसे अप्लाई कर लिया, ऊपर भी लगा लेते हैं थोड़ा सा। हाथों से अच्छा ब्लेंड नहीं हो रहा है बिकॉज मेरे हाथ काफी ज्यादा स्लिप हो जा रहे हैं बार बार, यहाँ यहाँ सब जगह ब्लैक ब्लैक ही अभी भी। ये देखो कितना ज्यादा मतलब पैची पैची सा हो गया यहाँ पे। सो बहुत ही ज्यादा पैची पैची सा है ये मेरे फेस पे, दोनों साइड्स पे, अराउंड माई नोज, माई फोरहेड, और यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि कुछ मैंने अप्लाई किया ही नहीं है। तो ये सुनीसा सीसी क्रीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जो है सिर्फ एक ही शेड में आता है, तो आपकी स्किन चाहे लाइटन हो या थोड़ी सी डाउन हो या मीडियम टोन की हो, तो हर किसी को सिर्फ यही वाला सुनीसा का जो सीसी क्रीम है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, जो एक सही चीज नहीं है सबके लिए, बिकॉज मेरी स्किन से भी काफी ज्यादा ऊपर का ये शेड है जो मेरी स्किन को अभी सूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा फेस अनइवन दिख रहा है। ये देखो और ये देखो, ये मेरी नेचुरल स्किन है और ये मेरी आफ्टर अप्लाइंग सुनीसा की सीसी क्रीम वाली स्किन है। बहुत ही ज्यादा फर्क है, इतना फर्क तो नहीं होता है। जो चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं इसको ऐसा रखूंगी एंड मतलब इसकी जो सारी की सारी डॉटेड वाली डिजाइन है वो मेरे ब्लेंडर पे आ जाएगी, वही चीज मेरे साथ नहीं हुई और मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ स्टार्टिंग में। अब बारी आती है वाटर प्रूफिंग की, तो मैं वाटर प्रूफिंग टेस्ट ना करूँ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मैं जरूर टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। और उसके लिए मुझे चाहिए पानी, तो पानी। मेरा कपड़ा भी ब्लू है और इसका जो एप्लीकेटर है ये भी ब्लू है, तो पानी लाया जाए। एंड गाइस मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गई कि इस सुनीसा सीसी क्रीम में आपको मिरर भी मिलता है। ओह माय गॉड, तो अब बारी आती है वाटर प्रूफिंग टेस्ट की। कमांडर शमशाद के हाथ में है पानी और मेरे हाथ में है टप। तो की जाए आराम से, मारना मेरे कपड़े नहीं भीगे, प्यारा पानी जाएगा मुंह पे, मार पानी। हाँ बार बार कुछ भी मारेगा हाथ आता। तो दिल थाम लो सारे, काफी टाइम से इच्छा थी मेरी ये करने की। चलो कैमरा में हिलना मत ज्यादा। अच्छा लगा, ठंडा ठंडा लग रहा है। थोड़ा सा पी गई मैं। तो क्या दिख रहा है, कुछ निकलता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है, यहाँ व्हाइट लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है। हाँ
फेल होती रे सुनीजा तू फेल है तू तो ये भी इसका माइनस पॉइंट है। सो लेट्स सी कि टिश्यू पे ये प्रोडक्ट आता है या नहीं, क्योंकि वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है तो नहीं आना चाहिए ना। सो यहाँ पे दिख रहा है निकलता हुआ और यहाँ पे नहीं आ रहा है। टिश्यू के साथ कुछ हुआ है क्या? लगा रेटिंग आया आया जो फिर से एक माइनस पॉइंट है सुनीसा के लिए। चाइना से और कितनी उम्मीद थी? सही बात है, ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कुछ काम है नहीं, मतलब चाइनीज लोग को, कि पहले कोरोना उसके बाद ये वो चाइनीज की एक कहावत मशहूर है ना, चले तो चांद तक वरना रात तक। तो ये तो एक पानी के ग्लास तक नहीं चल सका गाइस। ये क्या मुझे वाटरप्रूफिंग देगा? ये क्या मुझे लॉन्ग लास्टिंग करेगा? ये क्या मेरी अनइवन स्किन टोन को छुपाएगा? कोई इतना बड़ा गिव अवे भी नहीं था, बस ये एक चाइना का माल था और मैंने तो इसे टेस्ट कर लिया। ये काफी ज्यादा वियर था, लेकिन अगर आप भी इसे टेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट्स में जाओ, #RQ लिख के एक प्यारा सा कमेंट कर दो और फिर मैं एक कोई भी रैंडम सा कमेंट पिक कर लूंगी। एंड दैट्स इट गाइस। सो गाइस, अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अगर आपने एक और वियर चीज जो मैंने की थी मेरे चैनल पे वो नहीं देखी तो आई बटन पे जाके देख लीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक बनाऊं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।